कांकेर जिले के खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास का मोबाइल नहर के ओवरफ्लो में गिर जाने से अधिकारी द्वारा पानी से मोबाइल निकालना अब महंगा पड़ गया है। अधिकारी राजेश विश्वास ने फोन पर कुछ पानी उस नाले से निकालने की अनुमति मांगी थी जिसे सिंचाई में उपयोग किया जाना बताया गया है। अब इस पर राजनीति गर्मा गई है। अधिकारी की माने तो पानी कृषि उपयोग में नहीं लिया जाता था, केवल 3 फीट पानी को दूसरे नहर में डाला गया जिससे पानी बर्बादी नहीं हुआ। अब इस मामले पर जांच के बाद ही कुछ बोला जा सकता है। पानी का इस्तेमाल कुछ नहीं, ऐसे स्टोर में रहता है ये, और बाकी तो यहाँ पे नहाने वाने के लिए मौजूदगी के लिए आते हैं। मौज मस्ती होता है, कृषि कार्य होता है यहाँ से? कृषि कार्य के लिए तो दो दो है ना, उधर है नाला है, इधर नाला है, वो दोनों का पानी चलता है। अच्छा। बाकी ये तो यूजबल नहीं है, ये तो ऐसी नहाने वाने के लिए है, मस्ती के लिए। अब जो मोबाइल गिरा था एक अधिकारी का यहाँ पे, उसको निकाले कितना फीट पानी खाली किया यहाँ से? ज्यादा 2-3 फीट हुआ वो खाली, वो भी भर गया। फिर भी संडे की मेरा मोबाइल यहाँ पे टंकी में गिर गया था, जो ओवरफ्लो के जो पानी आता है जिस टंकी में पानी रहता है उसमें गिर गया था, जिसका हाइट लगभग 10 फीट है। तो यहाँ के लोकल गोताखोर 2-3 लोग ट्राई किए तो बोले 10 फीट है करके हम लोग नहीं निकाल पा रहे। अगर ये 7 फीट होता या 8 फीट होता तो भी निकाल देते। 2-3 फीट पानी कम करने की यहाँ पे ये लोग सजेस्ट किए मेरे को, यहाँ के लोकल लोग ही। मैं SDO साहब से बात करके, ये जो कि ये नॉन यूजेबल है, बाहर का पानी है, डैम का पानी नहीं है जो कि न्यूज में चलाया गया है, ये बाहर का पानी है, उसको 2-3 फीट जैसे ही खाली हुआ तो पानी कहीं इस्तेमाल नहीं होता। इसमें कहीं इस्तेमाल नहीं होता, क्या होता है इस पानी में, क्या करते हैं आप लोग? इस पानी में आते बहुत दूर से देखने के आदमी आते हैं, नहाते, खाना वाना खाते हैं, पार्टी एंजॉय करने के लिए आते हैं। बस इतना सही है, बहुत बड़ा तो नहीं है ना। कृषि कार्य होता है इसमें? नहीं।